ओके, सो इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फ्रॉग्स हार्ट. तो टेम्परेचर में क्या इफेक्ट होगा? अर्लियर इन द स्केलेटल मसल्स वी पीपल हैव सीन कि स्केलेटल मसल में जब आपने लाइक वार्म रिंगर सॉल्यूशन डाला और कोल्ड रिंगर सॉल्यूशन डाला था तो क्या इफेक्ट मिल रहा था, राइट? अभी हम लोग फ्रॉग्स हार्ट में वार्म एंड कोल्ड रिंगर सॉल्यूशन डालेंगे एंड वी विल नोटिस कि व्हाट इज द इफेक्ट. ओके, व्हाट आर द इफेक्ट्स, डिफरेंट इफेक्ट्स. तो स्केलेटल मसल एंड ये हार्ट मसल, कार्डियक मसल में अगर आप वार्म रिंगर डालते हो और कोल्ड रिंगर डालते हो तो आप लोगों को लगता है कि सेम इफेक्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा. ओके, तो वी वोंट बी गेटिंग सेम इफेक्ट्स. ओके, कार्डियक मसल्स में जब आप वार्म रिंगर डालोगे और कोल्ड रिंगर डालोगे, स्पेशली टू द हार्ट, अगर आप साइनस वेनोसिस में डालते हो तो इफेक्ट आपको दूसरा मिलता है. और जो कार्डियक का जो मसल पार्ट होता है उसमें आप डालोगे तो इफेक्ट दूसरा मिलेगा. तो अगर आप हार्ट के पेसमेकर पे वार्म रिंगर एंड कोल्ड रिंगर डालते हो, यू विल बी गेटिंग अ डिफरेंट इफेक्ट. और उसके वेंटिकल्स के मसल्स पे डालते हो तो यू विल बी गेटिंग अ डिफरेंट इफेक्ट. ठीक है, जो वेंटिकल का जो मसल्स होता है उसमें सेम एज द हार्ट मसल वाले ही इफेक्ट आएगा आपको, बट जो पेसमेकर का रहता है उसमें आपको डिफरेंट इफेक्ट आएगा. सो दैट विल बी स्टडिंग हियर. ओके, दैट प्रॉपर्टी विल बी स्टडिंग हियर. तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फ्रॉग्स हार्ट. तो इसमें एडिशनल जो रिक्वायरमेंट है वो वार्म रिंगर सॉल्यूशन, दैट शुड बी अराउंड 35 डिग्री, एंड कोल्ड रिंगर सॉल्यूशन दैट शुड बी अराउंड 15 डिग्रीज. ठीक है, एंड उसके बाद एक ब्लॉटिंग पेपर चाहिए होता है ताकि वो ब्लॉटिंग पेपर को वी कैन डिप इन द वार्म रिंगर सॉल्यूशन और उसको प्लेस कर सके उसमें हार्ट में. ठीक है, ताकि वो एरिया का वी कैन ईजिली मेजर द प्रॉपर्टीज. फाइन, सो अगेन दे हैव शोन, दो पार्ट है इसमें. साइनस वेनोसिस में हम लोग ब्लॉटिंग पेपर रखेंगे, ओके, डिप करके, देन उसके बाद वेंट्रिकल में हम लोग ब्लॉटिंग पेपर रखेंगे डिप करके. फाइन, साइनस वेनोसिस में रखा, वेंट्रिकल में हम लोग ब्लॉटिंग पेपर डिप करके रखेंगे. वी विल ऑब्जर्व कि व्हाट आर द चेंजेस, क्या क्या चेंजेस मिल रहा है. तो पहले साइनस वेनोसिस का देखते हैं हम लोग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ नॉर्मल रीडिंग, ताकि एक नॉर्मल रीडिंग ले सके, देन ओनली वी विल बी एबल टू कंपेयर. तो एक नॉर्मल रीडिंग ले लिया उन्होंने कार्डियोग्राम का, फ्रॉग्स हार्ट का. ठीक है, देन कोल्ड रिंगर सॉल्यूशन ले रहे हैं. कोल्ड रिंगर सॉल्यूशन शुड बी अराउंड टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्रीज बताया उन्होंने, लिया उसको डिप किया, एंड उसके बाद कोल्ड रिंगर सॉल्यूशन का दे हैव टेकन अ रीडिंग. ठीक है, तो कोल्ड रिंगर सॉल्यूशन में व्हाट यू कैन सी कि द हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग. ठीक है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग जैसे आपने कोल्ड रिंगर सॉल्यूशन का लिया. एंड आप हार्ट रेट भी देख रहे हो तो हार्ट रेट भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. डिस्टेंस, सॉरी, हार्ट रेट विल बी डिक्रीजिंग. ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस देख रहे हो, दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच में अगर आप यहाँ जाते हो तो डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, मतलब हार्ट रेट इज डिक्रीजिंग. समझ में आ रहा है? अगर दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच में डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स द हार्ट रेट इज डिक्रीजिंग. एंड हियर द हाइट इज इंक्रीजिंग, मतलब कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हैज इंक्रीज्ड. मतलब आपने कोल्ड रिंगर सॉल्यूशन डाला तो हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स कि उसका फोर्स, हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हुआ. एंड सेकेंड थिंग इज कि हार्ट रेट हैज डिक्रीज्ड. ठीक है, दैट वॉज अबाउट द कोल्ड रिंगर सॉल्यूशन. ओके, फाइन, हियर दे हैव एडेड, नाउ दे विल बी एडिंग वार्म रिंगर सॉल्यूशन. कोल्ड रिंगर का आपने देख लिया, वार्म रिंगर सॉल्यूशन लेते हैं. वार्म रिंगर सॉल्यूशन का क्या इफेक्ट आता है? 35 डिग्री वार्म रिंगर सॉल्यूशन लिया एंड उसको वो लोग ने अप्लाई किया. सो हियर द वार्म रिंगर सॉल्यूशन, व्हाट यू कैन सी कि दिस इज द नॉर्मल कार्डियोग्राम एंड दिस इज द कार्डियोग्राम वेयर दे हैव लाइक एडेड वार्म रिंगर सॉल्यूशन. और यहाँ पे आपको दो चीज दिख रही है. व्हाट वी कैन सी हियर इज कि दिस इज द हार्ट रेट नॉर्मल कार्डियोग्राम का, बट जैसे वार्म रिंगर सॉल्यूशन डाला तो हार्ट रेट हैज बेसिकली इंक्रीज्ड. डिस्टेंस जब डिक्रीज हो रहा है तो हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, सो हियर द हार्ट रेट हैज इंक्रीज्ड, जल्दी जल्दी धड़कने लग गया दिल, हार्ट रेट हैज इंक्रीज. द सेकेंड थिंग इज अबाउट द हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. हियर यू कैन सी द हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो गया. ठीक है, सो द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज लेस एंड हार्ट रेट इज इंक्रीज्ड वार्म रिंगर सॉल्यूशन में डालने में. ठीक है, सो वी हैव टू नोटिस हियर कि अब ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है. वो जैसे कोल्ड डाला था, कोल्ड में हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, हार्ट रेट डिक्रीज हो गया. ओके, वार्म रिंगर सॉल्यूशन में व्हाट हैज हैपेंड कि हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज डिक्रीज एंड हार्ट रेट इज इंक्रीज्ड. नाउ व्हाई इज दिस हैपनिंग? ठीक है, एग्जाम में अगर आप लोग को ऐसा ग्राफ आता है तो आप देखो उसको, पहले ये सब चीज़ ऑब्जर्व करो, नॉर्मल के साथ कंपेयर करके देखो कि यार नॉर्मल के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ, इसमें मेरे को हार्ट रेट ज़्यादा इंक्रीज दिख रहा है, हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज दिख रही है, व्हाट कैन बी द लॉजिक, क्यों हो रहा है? रट्टा मारने से नहीं होता है. देखो, आप बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ऐसे टाइप करेगा मैं ऐसे लिख दूँ, ऐसा नहीं होता है. उसमें आप सोचो, रीजनिंग करो कि व्हाई इज दिस हैपनिंग.
तो दिस हैज अ वेरी मतलब कॉन्सेप्चुअल रीजन हियर, इसमें दिया हुआ है. तो अच्छा ये चीज हो गया इनका, हियर दे हैव डन. अब एक और एक चीज बताता हूँ, ये दिस वॉज डन बेसिकली इन द साइनस वेनोसिस द पेसमेकर. ठीक है, तो पेसमेकर में दे हैव टेकन द रीडिंग. नाउ दे विल बी टेकिंग अ रीडिंग ऑन नॉर्मल लाइक द कार्डियक वेंट्रिकल्स. ठीक है, तो कार्डियक वेंट्रिकल्स में भी कोल्ड रिंगर सोल्यूशन लिया एंड दे हैव एडेड हियर, ब्लॉटिंग पेपर प्लेस किया वेंट्रिकल्स पे. ठीक है, एंड देन उसके बाद से वो लोग ने लिया रीडिंग लिया. अब कोल्ड रिंगर सोल्यूशन को जब वेंट्रिकल्स पे ब्लॉटिंग पेपर जब उन्होंने डाला, तो अर्लियर साइनस वेनोसिस में उसका हार्ट रेट वॉज बेसिकली डिक्रीज एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वॉज इंक्रीज. यहाँ पे क्या हो रहा है बताए कि यहाँ पे द हार्ट रेट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है इतना, इट्स नॉट दैट मच, बट फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हैज डिक्रीज. जैसे यहाँ पे कोल्ड रिंगर सोल्यूशन डाला, ठीक है, द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हैज डिक्रीज बट हार्ट रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है. वाई? बिकॉज वी आर एडिंग दिस ऑन द वेंट्रिकल्स. ठीक है, हमने उसके पेसमेकर को नहीं कुछ किया. ठीक है, वी हैवंट एडेड एनी काइंड ऑफ टेम्परेचर टू द पेसमेकर, दिस इज ओनली ऑन द वेंट्रिकल्स. ठीक है, याद रखना ये ब्लॉटिंग पेपर वेंट्रिकल्स पे रखा, वो वाला ब्लॉटिंग पेपर पेसमेकर पे रखा था. ठीक है, तो दैट वॉज बेसिकली द पेसमेकर, ये वेंट्रिकल्स पे रखा. तो इसमें द इफेक्ट्स यू कैन सी इसकी हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हैज डिक्रीज्ड, नंबर वन. ठीक है, फिर सेम थिंग है वार्म रिंगर सोल्यूशन को वो लोग ने ब्लॉटिंग पेपर में डाल के दे हैव एडेड ऑन द वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल्स में डालने के बाद देन दे हैव सीन कि इसका तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, इसकी हाइट ज़्यादा इंक्रीज मिल रही है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल. सो द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हैज इंक्रीज्ड. ठीक है, उसमें कोल्ड में डिक्रीज हो रही थी, इसमें इंक्रीज हो रही है. सो नाउ लेट अस स्टडी कि दोनों ग्राफ जो था ये साइनस वेनोसिस का है. ठीक है, तो साइनस वेनोसिस का एक ग्राफ लेके मैं स्टडी करूँगा कि वॉट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन साइनस वेनोसिस, एंड देन आई विल बी स्टडिंग कि वॉट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेंट्रिकल मसल्स. ठीक है, तो साइनस वेनोसिस का ये दोनों ग्राफ आई हैव टेकन, कोल्ड रिंगर लिया और वार्म रिंगर लिया. नाउ आई विल बी नोटिसिंग कि वॉट आर द डिफरेंसेस. ठीक है, क्या क्या डिफरेंसेस मिला. तो आप लोग को यहाँ क्या दिख रहा है, कोल्ड रिंगर सोल्यूशन देख रहे हो, ये नॉर्मल था. नॉर्मल में लाइक इससे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे कोल्ड रिंगर सोल्यूशन का, तो नॉर्मल में यू कैन सी कि हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इसका इंक्रीज हो गया कोल्ड रिंगर सोल्यूशन का, काफ़ी ज़्यादा हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हैज इंक्रीज. सेकेंड थिंग इज कि ये जो दोनों डिस्टेंस है बिटवीन टू कॉन्ट्रैक्शन हियर, ठीक है, ये जो हार्ट रेट है, ये डिस्टेंस लेके मैं इधर मेजर करूँगा तो ये डिस्टेंस इज मच मोर इंक्रीज, मतलब हार्ट रेट स्लोड डाउन हो गया. हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हैज इंक्रीज एंड हार्ट रेट हैज़ बीन स्लोड डाउन. ये किसका है, कोल्ड रिंगर सोल्यूशन का. ठीक है, तो कोल्ड रिंगर सोल्यूशन जब आपने साइनस वेनोसिस में डाला तो ये चीज़ हुआ. वार्म रिंगर सोल्यूशन में व्हाट हैज हैपेंड कि दिस इज द नॉर्मल कार्डियोग्राम, हियर द हार्ट रेट हैज इंक्रीज्ड. ये दोनों डिस्टेंस देख रहे हो, यहाँ पे देखो द हार्ट रेट हैज बेसिकली इंक्रीज, डिस्टेंस कम हुआ हार्ट रेट इंक्रीज हो गया. तो हार्ट रेट हैज इंक्रीज्ड, नंबर वन. द सेकेंड इसकी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज डिक्रीज्ड. ठीक है, अब ये हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, लेट अस स्टडी कि क्यों होता है ये. इसमें फ्रैंक स्टर्लिंग्स, ये आपका एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कार्डियक आउटपुट का रेगुलेशन और ये सब आता है ना, सारे इसी पे बेस्ड आता है. ठीक है, सो हियर दे हैव एक्सप्लेन्ड कि कोल्ड रिंगर सोल्यूशन जैसे डाले तो डिस्टेंस इंक्रीज हो गया. ठीक है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज हो गया एंड रिडक्शन इन द हार्ट इज द प्राइमरी मतलब इज द प्राइमरी इफेक्ट. ओके, हार्ट रेट का रिडक्शन हुआ. तो वॉट हैपन्स कि जैसे हार्ट रेट कम हुआ, एवरी वन नोज कि जब आपने कोल्ड रिंगर सोल्यूशन डाला इस पे साइनस वेनोसिस में, नर्व कंडक्शन का एक प्रॉपर्टी होता है कि जब आप जब भी व्हेन यू विल बी एडिंग द कोल्ड रिंगर सोल्यूशन, व्हाट हैपेंस कि उसका कंडक्शन स्लो हो जाता है. तो जब आपने पेस मेकर में जब आपने कोल्ड रिंगर सोल्यूशन डाला तो उसका कंडक्शन स्लो हो गया, तो हार्ट रेट इज डिक्रीज्ड. सो दैट इज़ द रीज़न वाई यहाँ पे आप लोग को हार्ट रेट डिक्रीज मिल रहा था. ठीक है, हार्ट रेट इज डिक्रीज, नंबर वन. तो सेकेंड है कि जब हार्ट रेट डिक्रीज होगा तो हार्ट जो रहेगा वो ज़्यादा वेंट्रिकल्स होंगे, वो ज़्यादा स्ट्रेच होंगे. ठीक है, जब ज़्यादा स्ट्रेच होगा तो ज़्यादा ब्लड आएगा उसमें. वंस देयर विल बी मोर ब्लड, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम उसका ज़्यादा होगा. ठीक है, इधर वही बताया कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बेसिकली इंक्रीजेस. वंस द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम विल बी मच मोर इंक्रीज्ड, दैट विल लीड टू इंक्रीज इन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, सो इंक्रीज इन द इनिशियल लेंथ ऑफ द कार्डियक मसल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. दिस इज वॉट फ्रैंक स्टर्लिंग्स लॉ. ठीक है,
तो इसीलिए आपको जो हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा था यहाँ पे, दिस हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वॉज इंक्रीज्ड। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ, कोल्ड ड्रिंकर सोल्यूशन जैसे साइनस वेनोसिस में डाला, कंडक्शन स्लोड डाउन हो गया, तो हार्ट जो वेंटिकल्स थे वो अच्छे से रिलैक्स हो रहे थे, उसका लेंथ ऑफ द कार्डियक मसल इंक्रीज हो रहा था, तो ब्लड ज़्यादा फिल हुआ, जब ब्लड ज़्यादा फिल हो रहा है तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू दैट फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ, इसलिए आपको हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज मिला। ठीक है, ओके, सो ये हो गया आपका कोल्ड ड्रिंकर सोल्यूशन का, हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज इंक्रीज एंड हार्ट रेट इज डिक्रीज। ओके फाइन, सो रिडक्शन इन द हार्ट रेट इज द प्राइमरी इफेक्ट एंड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीजेस, वेंटिकल मसल्स आर स्ट्रेच एंड दिस हैज लीड टू इंक्रीज इन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, फ्रैंक स्टर्लिंग। अच्छा, वार्म रिंगर सोल्यूशन में क्या हुआ, वार्म रिंगर सोल्यूशन में यहाँ डिस्टेंस कम हो गया और हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज रिड्यूस्ड जब साइनस वेनोसिस में किया, तो इंक्रीज इन द हार्ट रेट इज द प्राइमरी इफेक्ट। वार्म रिंगर सोल्यूशन आप जब भी साइनस वेनोसिस में डालोगे, पेस मेकर में डालोगे, तो कंडक्शन उसका इंक्रीज हो जाता है, वंस द कंडक्शन विल बी इंक्रीज तो उसका इम्पल्सेस फास्ट जनरेट होगा। ठीक है, आपने नर्व कंडक्शन में भी देखा था ये वाला जो वी हैव परफॉर्म, मसल का जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था उसमें भी लाइक लेटेंट पीरियड कम हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन पीरियड वॉज लेस, रिलैक्सेशन पीरियड वॉज लेस एंड हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वॉज इंक्रीज मसल वाले में। क्यों? क्योंकि उसमें कंडक्शन लेटेंट पीरियड क्यों कम मिला था, बिकॉज कंडक्शन वॉज मच मोर फास्टर, वार्म टेम्परेचर हैज अ मच मोर इंक्रीज कंडक्शन। ठीक है, फास्टर कंडक्शन। तो इसी में भी, इसमें भी लाइक वेन यू आर एडिंग दिस वार्म रिंगर सोल्यूशन इन द एसए नोड, द कंडक्शन इज मच मोर फास्टर, सो दिस हैज लीड टू इंक्रीज इन द हार्ट रेट, दिस इज योर प्राइमरी इफेक्ट। ठीक है, जब हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो वेंटिकल के जो मसल्स है वो लोग प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो पाएंगे, यू नो दिस, वेंटिकल मसल्स जब प्रॉपर, क्योंकि हार्ट आपका इंक्रीज है, ठीक है, हार्ट इज लाइक सिस्टोल डायस्टोल, उसमें बहुत फास्ट फेस में हो रहा है, तो वेंटिकुलर मसल्स अच्छे से रिलैक्स नहीं हो पाएंगे, जब अच्छे से स्ट्रेच नहीं हो पाएंगे तो उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज नहीं रहेगा, डिक्रीज ही मिलेगा आपको, सो दैट हैज लीड टू डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हियर यू कैन सी कि दिस हैज लीड टू डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज द सेकेंडरी इफेक्ट। ठीक है, ओके, तो फिर बाद में हम लोग वेंटिकल्स का देखते हैं, ये तो वी पीपल हैव स्टडीड अबाउट द साइनस वेनोसिस। ठीक है, दोनों इफेक्ट तो एग्जाम में आप लोग को आएगा, उसमें लिखा रहेगा साइनस वेनोसिस का। ठीक है, what are the following changes which you can see when giving cold ringer solution and warm ringer solution in the sinus venosus, aise exam mein rahega to you people have to basically describe this ki cold ringer mein heart rate ko kya ho raha hai, isme force of contraction ko kya ho raha hai, theek hai, and what is the possible mechanism, to aap log batana ki frank stirling's law isme apply hota hai which leads to all these things, theek hai, okay, so increase in the heart rate, acha ab effect of temperature चेंज ऑन वेंटिकल्स। ठीक है, अब इसमें आपने जब टेम्परेचर चेंज किया वेंटिकल्स में, तो वॉट यू कैन सी कि कोल्ड ड्रिंकर सोल्यूशन ये नॉर्मल है, लेकिन जैसे आपने कोल्ड ड्रिंकर सोल्यूशन यहाँ पर डाला, दिस हैज़ बेसिकली डिक्रीज, हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज डिक्रीज। ठीक है, हार्ट रेट को कोई फर्क नहीं पड़ा, बट हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ कम हुआ, प्लीज नोट, हार्ट रेट को कुछ नहीं फर्क पड़ा, साइनस वेनोसिस वॉज द पेस मेकर जो अर्लियर में देखा, उसमें कंडक्शन इंक्रीज डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई कंडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ वेंटिकुलर मसल्स है, तो यहाँ हार्ट रेट को कोई फर्क नहीं पड़ा है, बट हियर यू कैन सी द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज लेस, एंड जब आपने वार्म रिंगर सोल्यूशन डाला तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज मोर। कोई बता सकता है ये क्यों हो रहा है, व्हाई द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज इंक्रीज्ड? यस, वेरी गुड। ठीक है, तो वही डिक्रीज इन विस्कोसिटी, इंक्रीज इन एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये मसल्स में हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, तो मसल्स में व्हाट वी पीपल हैव स्टडीड कि जब वार्म रिंगर सॉल्यूशन डालते हो तो एक्टिन मायोसिन के कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी रिक्वायर्ड होता है, तो इंक्रीज इन द लाइक मायोसिन एटीपीज उसमें ज़्यादा फास्टर हो जाएगा। ठीक है, सो इंक्रीज इन द एंजाइमेटिक एक्टिविटी और उसकी विस्कोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो जैसे आपने वार्म रिंगर डाला, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज और विस्कोसिटी लाइक एंजाइमेटिक एक्टिविटीज इंक्रीज हुआ, विस्कोसिटी डिक्रीज हुआ, इसलिए इसका हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हुआ, क्रॉस ब्रिज फाइबर्स और अच्छे से बन रहे हैं एंड उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और मच मोर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जब आपने ये डाला तो इसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटीज स्लो डाउन हो गए, जिसकी वजह से आपको हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज लेस। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गया अभी? ओके, वेरी गुड। सो वही सेम चीज़ बताया, कोल्ड ड्रिंक का सोल्यूशन डाला तो हियर देर इज डिक्रीज इन द एम्पलीट्यूड, हियर देर इज इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इससे वी कैन डिराइव हियर कि द पेस मेकर ऑफ द फ्रॉग्स हार्ट इज इन द साइनस वेनोसिस, एंड ह्यूमन हार्ट में
ऐसे नोट, ठीक है, ओके। तो वी पीपल हैव डन दिस कोल्ड रिंगर साइनस फिनोसिस एंड ये टेम्परेचर। एंड ऑफ द डे आपको यही चीज़ याद रखना है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन साइनस फिनोसिस क्या होता है एंड वेंट्रिकल्स में क्या क्या इफेक्ट होता है, होता है एंड व्हाट आर द पॉसिबल मैकेनिज्म्स की क्यों होता है। तो ये चीज़ याद रख गए तो आपका ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फ्रॉग्स हार्ट हो गया, ठीक है, ठीक है, थैंक यू गाइस।